गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं हम क्लास 9th के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आप सभी अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एंड देन उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवेन अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम। एक ट्राइंगल है और एक क्या है पैरालोग्राम। हैव द सेम बेस, दोनों का बेस सेम है एंड सेम एरिया। ओके, कंडीशंस देखिए क्या गिवन है, सेम एरिया एंड सेम बेस। पैरालोग्राम है और एक ट्रायंगल है, दोनों का बेस क्या है बिल्कुल सेम है, एरिया भी सेम है। तो इफ द साइड्स और द ट्रायंगल्स ऑफ आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। सो साइड्स ऑफ ट्रायंगल हमें क्या गिवन है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ले लेते हैं। पहले हम ए बी सी, ए बी सी साइड ले लेते हैं। तो साइड गिवन है जो ए बी सी, कितना कितना गिवन है, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो हमने ले लिया 28 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर एंड एक और थर्ड वाली साइड गिवन है कितना, 30 सेंटीमीटर, ये ले लिया 30 सेंटीमीटर। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस ऑफ 28 सेंटीमीटर। अब जो पैरेललोग्राम है, ओके, तो पहले हम दोनों का पिक्चर बना लेंगे, किस तरीके से पिक्चर बनेगा। देखो, सो हमें क्या बनाना है, एक पैरेललोग्राम। तो ये बना लिया हमने पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किस बेस पे खड़ा हुआ है, 28 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। देन इसके बाद इसी सेम बेस पे क्या बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है। तो हम ऊपर की तरफ ट्राइंगल ले लें या नीचे की तरफ ट्राइंगल ले लें, तो हम देखो कैलकुलेट करने के लिए इसको नीचे की तरफ ट्राइंगल ले लेते हैं। अब इनको पॉइंट्स दे दें, लाइक ए बी सी डी एंड ई, ये हो गया। अब हमें पता है, देखो एक बेस एक कितना हो गया 28 सेंटीमीटर और दूसरी साइड कितनी है, 26 सेंटीमीटर। तो एक को ले लेते हैं हम 26 सेंटीमीटर और एक कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। सो इसको ले लिया हमने 30 सेंटीमीटर। ओके, कितना ले लिया है, 30 सेंटीमीटर। अब देख पा रहे हैं आप किस बेस पे खड़ा हुआ है, 28। सो एक क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया है। यहाँ पे ये क्या बन गया है, ट्राइंगल बन गया है। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल में क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी ई, ए बी ई कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सेमी पिरामीटर यानी वैल्यू ऑफ एस। एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, यानी सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाई टू। सो वैल्यू ऑफ ए इज 28, वैल्यू ऑफ बी इज 26, वैल्यू ऑफ सी इज 13 एंड डिवाइड बाई टू। तीनों का एडिशन करेंगे और डिवाइड बाई टू कर देंगे, तो ए सिक्स एट एट सिक्स सिक्स ट्वेल्व 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 टू 14 का 4 कैरी कितना आया, वन आया, एंड वन के बाद वन 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 टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 84, 84 डिवाइड बाई टू, 84 डिवाइड बाई टू, आप टू से डिवाइड करेंगे, सो टू टू जा फोर एंड टू फोर जा टू। तो सेमी पैरामीटर आ गया 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर में था तो यूनिट भी हम क्या लेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर। तो अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, एस यानी सेमी पैरामीटर, क्या कैलकुलेट किया है, ये सेमी पैरामीटर। अब सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि ट्राइंगल का यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी इज इक्वल टू अंडर रूट, वैल्यू ऑफ एस इज 42, सो 42 एस माइनस ए यानी 42 माइनस वैल्यू ऑफ ए इज 28, एस माइनस बी यानी 42 माइनस कितना 26, और एस माइनस सी यानी 42 माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ सी इज 30। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो 42, ये 42 ही रहेगा, 42 28, ओके 28 एंड 30, 28 टू 30 एंड देन 10 40 और कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ये माइनस करने पे 40 और 6 6 12, ओके ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा और ये 30 माइनस करना था हमें 42 से 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
ओके कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है। 7 6 होता है 42, 7 6 42, ओके 7 2 14, अब यहाँ पे 16 है ना, तो 4 × 4 16, और यहाँ पे 12 है तो 6 × 2, सो 6 2 12। अब हम पेयर्स बाहर निकालेंगे, ओके तो पेयर में देखें वन पेयर कितने का बन रहा है, 7 का, यहाँ पे ले लेता हूँ साइड में। सो कितना वन पेयर कितने का हो गया, 7 का हो गया। देन इसके बाद वन पेयर कितना का है, 2 का, सो मल्टीप्लाई बाय कितना किया, 2 किया। एंड देन वन पेयर कितने का बन रहा है, यहाँ पे देखें 4 का, सो मल्टीप्लाई बाय कितना, 4 लिखा। और वन पेयर कितना बन रहा है, 6 का, सो मल्टीप्लाई बाय कितना कर दिया है, 6 कर दिया है। ओके क्लियर है, यहाँ पे सारे पेयर्स देख रहे हैं बाहर आ गए हैं ब्रैकेट रूट के। सो यहाँ पे अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। सो 7 6 कितना, 42, एंड 42 मल्टीप्लाई बाई 4 2 कितना कर लेंगे, 8 कर लेंगे। अब ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 2 16 का 6, 8 2 16 कैरी 1, 8 4 32, और 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33। ओके सो 336 आ जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने जो कैलकुलेट किया वो कितना आया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमारा क्वेश्चन का हाफ पार्ट हुआ है, मतलब हमने क्या कैलकुलेट किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट किया है। क्या किया है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या गिवन है, कैलकुलेट करना है हमें हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम का हाइट कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर हाइट। ओके चलो हम हाइट को कितना ले लेते हैं, एच ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है ओके पर हाइट कितना ले लिया, एच ले लिया। अब यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को ले लेंगे, ओके सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या है, एबीसीडी, ओके पैरेललोग्राम इज एबीसीडी। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ओके बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब क्वेश्चन में बताया गया था हमें किस बेस पे है, 28 वाले बेस पे है। देखें आपको 28 वाले बेस पे, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन भी है 28 बेस पे। सो 28 मल्टीप्लाई बाय हाइट को कितना ले लिया, एच ले लिया है। हाइट को हमने कितना ले लिया है, एच ले लिया, 28 इंटू एच, ये हो गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन थी, ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में हमें गिवन था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया, मतलब दोनों का एरिया जो है वो सेम है और दोनों के लिए बेस भी सेम है। तो बेस तो हमने स्टार्टिंग में ही सेम ले लिया था, अब यहाँ पे बात आती है एरिया की। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो पैरेललोग्राम जो है एरिया कितना कैलकुलेट था, 28 मल्टीप्लाई बाय एच, यही आया था। सो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की प्लेस पे 28 मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कैलकुलेट किया था कितना, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके अब हमें हाइट कैलकुलेट करना है, तो जो 28 मल्टीप्लाई है अपोजिट जाएगा, किसमें पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। ओके सो 336 मल्टीप्लाई बाय कितना, 28 हो जाएगा। अब देखें अब हम इसको क्रॉस करेंगे तो 2 से दोनों डिविजिबल हैं, 2 से क्रॉस करेंगे, 2 2 2 1 2 एंड 2 6 12 एंड 2 8 16 168 टाइम्स एंड 2 से करेंगे तो ये 2 1 2 एंड 2 4 14 टाइम्स हो गया। अभी और भी क्रॉस हो सकता है, अभी हम फिर से 2 से दोबारा से क्रॉस करेंगे, 2 7 14 एंड 2 8 16 एंड 2 8 16 एंड 2 4 84 हो गया। अब 7 से 84 डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल होता है, 7 1 7 एंड 7 2 14 कितने टाइम्स, 12 टाइम्स। ओके सो कितना आ गया है, 12 आ गया। हमें क्या कैलकुलेट करना था, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन में क्या, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। सो यही तो हमने कैलकुलेट, क्योंकि हाइट ऑफ पैरेललोग्राम को क्या लिया था, पैरेललोग्राम को h लिया था, जो h कितना आ गया है, 12 आ गया है।
तो हाइट इज 12 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू वेस्ट 28। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। ओके तो एक बार देख सकते हैं आप फिर से क्या है। साइड्स गिवन थी ट्राइंगल की, सेम बेस पैरेललोग्राम, और दोनों के लिए सेम बेस था और दोनों के लिए क्या था एरिया भी सेम था। तो हमने क्या करना, पहले साइड जो गिवन है साइड से क्या निकाल लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की इक्वालिटी में रख के हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 12.2 एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 4। आगे इसी तरह क्वेश्चन हम करते रहेंगे। ओके अभी इस क्वेश्चन में अगर कोई क्वेरी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।